যতনে যে নাহিয়ারাধি Yeah.
श्याम सिंधु रस में कौन डूबेगा? श्याम सिंधु किसको कहते हैं? राधिका जी के भाव को, विशेष करके सुंदर उज्जवल पार्थिव भाव को, उसी की यह आचार्य है। उनके भाव में कौन डूब सकता है? अनारत राधा प्रणाम। जब तक कि राधा जी के चरणों का आश्रय न करें, जब तक उनके चरणों का कृष्ण के चरणों के आश्रय से नहीं होगा, राधा जी के चरणों का संपूर्ण रूप से आश्रय ग्रहण करें। असंभाषित भाव गंभीर का, यदि कोई व्यक्ति अनाशित बिंदा कभी तत्व, और जो वृंदावन में जो राधा जी के चरणों के मूल्य सर्वत्र है, ऐसा कोई पुण्य नहीं, ऐसी कोई गौर कीड़ा नहीं, या ऐसा वृक्ष नहीं, या राधा और कृष्ण की लीलाएं नहीं, वृंदावन का यदि कोई आश्रय यदि नहीं करे और असंभाषित भाव कम दिया, राधिका जी के भावों को समझने वाला, राधा जी का विशेष कृपा पात्र रसिक तत्व रूप गोस्वामी जैसा कोई व्यक्ति, उनके आनुगत्य में आने वाले लोगों का रसिक वैष्णव का संग यदि नहीं करे, उसके मुख से हरि कथा नहीं सुने, तो राधिका जी के वो जो भाव है अदनक भाव इत्यादि तक उसमें कोई डूब नहीं सकता। इसलिए राधा जी के चरणों का श्री भक्ति प्रणव ठाकुर कहते हैं, राधिका उज्ज्वल रसिक आचार्य, उज्ज्वल रस का मतलब उन्नत उज्ज्वल पार्थिव भाव, ये आचार्य हैं। और राधा पद परम जतने से पाएगा कृष्ण पद, राधा पद बिनु कृष्ण नहीं मिले, राधा जी के कृपा के बिना राधा जी का आश्रय कर दिया तो अपने आप कृष्ण उसके पीछे पीछे घूमेंगे। इसलिए राधा जी तो चरणों को सब समय विशेष आग्रह के साथ में कहा, तो ऐसा गया है राधा जी की कृपा से मैं कृष्ण को एकदम नहीं समझती, राधा जी की कृपा से यदि होगी तो कहे जी कृष्ण के यहाँ से शून्य से निकल जाओ, राधा जी का आदेश और कृष्ण मानने के लिए बाध्य हो। राधिका चरण रेणु भूषण करी जा, राधिका चरण रेणु भूषण करी जा तो अनायासे पावे Yeah.
कृष्णा सुखा विलास रामे दे Madhava
Thank you.
तो आप लोग सब मेरे पीछे उसको सारूर्वक आइए।